नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान की सिक्योरिटी कमेटी इजलास में अदम शिरकत कोई नई बात नहीं है। इमरान खान से पूछती हूँ, क्या वो बाकी बातें भी शहबाज शरीफ की ही मानते हैं? वो नुमाइंदा 24 न्यूज अवैस कियानी से खसूसी गुफ्तगू कर रही थी। क्या आप भी न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट का मुतालबा करती हैं? आप समझती हैं कि होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये आईन का मुतालबा है, ये मेरा मुतालबा तो है नहीं और हर पाकिस्तानी का मुतालबा है। ये कोई गलत मुतालबा भी नहीं, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के 73 साल के बाद भी आज हम इसी मुतालबे पर गौर कर रहे हैं कि इसको हम मुतालबा समझ रहे हैं। ये मुतालबा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसका जिसको इम्प्लीमेंट शुरू दिन से होना। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वजीर आजम का ना आना और होना, क्या समझती हैं आप? आप मुझे ये बताएं कि जितने भी कोविड पे हुआ या जीबी पे हुआ या कश्मीर पे हुआ, किस में वो शामिल थे? वो किसी भी कौमी मसले पर या कौमी इशू पर वो नहीं शामिल थे। और उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की वजह से नहीं आया, तो क्या वो सारी बातें शहबाज शरीफ साहब की मानते हैं? पहले वो अहकाम शहबाज शरीफ साहब से लेते हैं, तो ये बेवकूफ़ किसी और को बनाए भाई। और कश्मीरियों के लिए आपका क्या पैगाम है? लास्ट क्वेश्चन। कश्मीरियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है वो काबिज़ है 22 करोड़ अवाम के हक पे, तो काबिज़ इंसान कभी भी कश्मीर की आज़ादी नहीं दिला सकता।